हेलो डियर स्टूडेंट्स, गेयर हम लोग पढ़ रहे थे और आज इसका ऐसे शुरुआत करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की। लास्ट लेक्चर से हमने देखा था कि आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं और कैसे इनकी प्रोफाइल वगैरह होती है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप लोग सभी क्वेश्चंस आगे करेंगे और काफ़ी सारे कंसेप्ट भी हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ काफ़ी सारी लर्निंग भी जुड़ी हुई है और काफ़ी सारे चीज़ें हम देखेंगे इसमें। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ टीथ ऑन इच ऑफ द टू इक्वल स्पर गेयर्स इन मेश आर 40। ये बोल रहा है कि दो जो गेयर हैं वो क्या दोनों इक्वल स्पर गेयर हैं, मतलब दोनों बराबर गेयर हैं जिनके साइज डायमीटर वगैरह क्या है दोनों बराबर हैं और उसमें जो टीथ है वो क्या है 40 है। तो नंबर ऑफ जो टीथ दिया है इसने क्या दिया है 40, दोनों ही गियर के, गियर और पिनियन दोनों के। द टीथ हैव 20 डिग्री इन्वोल्यूट प्रोफाइल। तो जब भी दिए ये क्या दिया है, प्रेशर एंगल दिया है आपको, मतलब फाई दिया है। जब भी आपको कोई एंगल दिया हो उसका मतलब प्रेशर एंगल लेके रखता है, तो इसने फाई आपको प्रेशर एंगल दिया है और प्रोफाइल इसकी इन्वोल्यूट प्रोफाइल है, उससे भी आपको मतलब नहीं है। एंड द मॉड्यूल इज 6 mm। इसका जो मॉड्यूल ये है इसने एम इक्वल टू क्या दिया है 6 mm। इफ द आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट इज 1.75 टाइम्स द सर्कुलर पिच। जो आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट जिसने दिया है, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट जो दिया है, ठीक है जी, ये लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट जो दिया है इसने, ये दिया है 1.75 टाइम्स द सर्कुलर पिच, ठीक है, इंटू सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच को हम बोलते हो पी सी। फाइंड द अडेंडम, आपको अडेंडम निकालना है। तो अडेंडम होता है क्या, सबसे पहले जब कोई आपका जो गेयर है मान लो, ये आपका मान लो पिच सर्कल है, तो अडेंडम सर्कल जो आपका टॉप है और ये क्या है आपका पिच सर्कल, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं अडेंडम। तो आपको ये दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है। बेसिकली निकालना क्या है आपको, अगर आप यहाँ से देखें कोई सेंटर इस गेयर का, तो ये आपका क्या हो गया आर ए अडेंडम की रेडियस और ये क्या हो गया आपका आर। तो आपको आर ए माइनस आर निकालना है, मतलब क्वेश्चन में आपको पहले रेडियस निकालना है इन सब की, दोनों की, अडेंडम सर्कल की और रेडियस इसकी, और दोनों को अगर आप दोनों को माइनस कर देते हैं तो आपको अडेंडम मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको सर्कुलर पिच का जो उन्होंने दिया है, ठीक है, सर्कुलर पिच क्या होती है आप जानते हैं सभी, कि जो पी सी होता है सर्कुलर पिच क्या होता है पाई डी बाई टी, ठीक है, और डी बाई टी यहाँ पर क्या होता है मॉड्यूल होता है आपका बेसिकली, तो पाई बाई एम आप बोल सकते हो। अब आपको जब पाई आपको पता है क्या होता है और मॉड्यूल इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, मॉड्यूल कितना दिया है 6 mm, ठीक है, तो पाई आपका बेसिकली 3 पॉइंट जो होता है 1.4, तो उसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 1.885 mm, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, सर्कुलर पिच मिल गया आपको, सर्कुलर पिच आपको मिल गया 18.85 mm। अब आपको दिया है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो क्या है 1.75 × PC है, तो यहाँ से आप लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट जो निकालोगे वो क्या निकालोगे 1.75 × 18.85। तो इनका जब मल्टीप्लाई आप लोग करोगे तो यहाँ आपको ये मिलता है आपको 33। तो आपको क्या मिला है, ये आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, तो आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट आपको यहाँ मिल चुका है 33, ठीक है। अब आपको पता है अब आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट आपको मिल चुका है और आप क्या जानते हैं, आपको ये पता है कि अगर आपको जो आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट वो क्या होता है, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट या लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट अपॉन कॉस फाई, ये होता है। अब आपको आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट पता है कितना है 33 इंटू, अगर आप कोस फाई करते हैं, फाई आपको पता है एंगल आपको दिया है 20 डिग्री, तो ऐसा क्या निकल जाए आपका, आपका पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट। तो आपको पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पर जो आएगा 33 × cos 20, तो जो आपका पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा यहाँ पे, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट वो यहाँ पर आपका जो आना है वो हो जाएगा 31 mm, ठीक है, 31 mm हो गया। अब आपको रेडियस निकालना है दोनों, आपको पता है एडेंडम निकालना है, एडेंडम का क्या था आर, जो आपका एडेंडम की रेडियस माइनस आपका जो रेडियस हो पिच सर्कल। अब आप पिच सर्कल रेडियस तो ऑलरेडी निकाल सकते हैं,
ठीक है। तो रेडियस क्या होती है यहाँ पर, आपका मॉड्यूल क्या होता है आपका, आप जानते हैं, डी बाय टी, ठीक है, डायमीटर अपॉन टिथ। आपको मॉड्यूल दिया हुआ है और नंबर ऑफ टिथ भी आपको 40 उसने दिए हुए क्वेश्चन में, और डी को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2R, ठीक है, 2R बाय टी। तो यहाँ पर R क्या हो जाएगा अगर हम देखें, तो हो जाएगा एम इंटू टी बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर R। और M क्या है, मॉड्यूल आपको दिया हुआ है इन्होंने 6, नंबर ऑफ टी तो ऑन द बोथ द गियर 40 इक्वल टू R, हियर R विल बी, दिस विल बी 3 120, 120 mm। सो 120 mm जो आएगी आपकी आ गई रेडियस, आ गई पिच सर्कल की। अब आपको बेसिकली ओनली एक चीज निकालना है, वो है आर ए। अगर आपने आर ए निकाल लिया तो आर ए माइनस आर आप कर लोगे, तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट का जो फॉर्मूला होता है उसको आपको अप्लाई करना हुआ है यहाँ पर। वो आपको बोलता है कि आर ए का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, काफी सिंपल फॉर्मूला है ये, सब में सेम है, क्योंकि पहले आपको आर ए स्क्वायर लेना है फिर माइनस आर ए स्क्वायर लेना है। सिमिलरली आप प्लस करते हैं, स्मॉल लेते हैं आर, ठीक है, आर ए का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव माइनस आर प्लस आर साइन फाइव। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों गियर की साइज सेम है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आर ए इक्वल टू क्या होगा, ये आर ए होगा, सॉरी जो आर होगा वो इक्वल टू क्या होगा, आर होगा, ठीक है, जो पिच सर्कल होगा जो बड़े दोनों से का सेम, दोनों का आर ए आर आर सेम होगा। अब जब दोनों का आर आर सेम हो जाएगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसको मैं लिख सकता हूँ टू रूट आर ए का स्क्वायर माइनस, आर की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, तो आर 120 का स्क्वायर कोस स्क्वायर यहाँ पर आपका 20 माइनस 120 साइन 20, ठीक है, समझ गए होंगे, मैंने जो कॉमन लिया तो पूरा है, क्योंकि हमने इसको भी बड़ा आर ए लिख दिया था, ठीक है, इसको भी बड़ा आर ए लिख दिया था, तो कैपिटल जैसे हम इस, ये तो आपका ओनली आर था, ठीक है, तो इसको हमने दोनों को कैपिटल लिख दिया था, क्योंकि हमको पता है आर इक्वल टू आर, तो यहाँ पर कॉमन आ गया, एक टू टू कॉमन आ गया, ये आपका 130 बच गया, ठीक है। अब आपका ये जो बन गया, अब इसमें से सब लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट आपको ऑलरेडी पता है 31, ठीक है, आपको सब कुछ पता है, तो यहाँ से अब क्या निकल जाएगा आपका, आर ए निकल जाएगा। तो जो आर ए आपका आएगा यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद, वो आपका आएगा 126.12 mm। अब आपको आर ए मिल गया, आर आपको ऑलरेडी मिल गया, अडेंडम क्या होता है, तो आपको अडेंडम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ अडेंडम। अडेंडम जो आपका होता है वो होता है अडेंडम की रेडियस माइनस पिच सर्कल की रेडियस, ये हो गया 126.12 माइनस 120, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, आपको जो आंसर आएगा आपका हो गया आपका 6.12 mm, क्या होगा आपका अडेंडम, ठीक है। तो इस तरह से आप अडेंडम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन इसके आते हैं, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही मात्र करना होंगे और आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।